2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कंप्लेंट करवाया था और वो कंप्लेंट फेक निकला और उसके बाद मुझे अलग अलग एजेंसियों पर उनके ही लेटर से मुझे अटेंड करना पड़ा और आज भी जो लोग FIR करेंगे टोटल उनसे कनेक्टेड है और आप सबको ये बात मालूम है, पिछले दिनों में पेपर्स में भी आई है और पार्लियामेंट में खड़कर उनके MP ने ये बात बताया कि 50,000 करोड़ का स्कैम जो है हीरा ग्रुप ने कर दिया है। जब एविडेंसेस मांगते हैं तो 50 लाख भी उनके पास नहीं है, 50 रुपये भी नहीं है। फ्रॉड, फ्रॉड किसको कहते हैं? जो अमाउंट इलीगल हो, जो अमाउंट अनट्रेसेबल हो, जो अमाउंट का मैं हिसाब ना दे सके वो फ्रॉड होता है। ऐसा अमाउंट तो 50 रुपये भी नहीं मिल सका। और मैं इससे ज्यादा आपको कुछ बताना नहीं चाहती कि और सारे कोर्टों को ये बात पता है, जो बेसिक सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन में सारी चीजें जो है दाखिल किया है कि हमारे पीछे कौन है और हम गलत किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहते। लीगल तरीके से जो हमारे सामने आकर हमको डैमेज करेगी और हमने कोर्ट को उनको लीगल तरीके से सबमिट किया। इंटरेस्ट तो आप देखते हैं कि जैसे हमारी कौली चौकी की लैंड है जो बहुत बड़ी एक लैंड है, उसके ऊपर मैं अरेस्ट होने के बाद ED के अटैचमेंट के बाद उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए। क्यों? उनके ही एरिया में हुए। बाकी मेरे प्रॉपर्टीज बंजारा हिल में है, बाकी मेरे हाउसेस बंजारा हिल्स में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज कुकट पिल्ली में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज हर जगह ही, वहां पर कोई हिम्मत नहीं कर सके ढोल के तरफ नजर भी उठाने की। मगर उनके एरिया में जो है वहां पर मेरे घरों में घुसे और जैसे HS रेसिडेंसी है और बहुत सारे जगह पर वहां पर मेरे चीजों पर जुल्म के साथ जो है उस पर प्रॉपर्टीज पर कंस्ट्रक्शन किया गया, बहुत सारे जुल्म हुए। और मैं जो अंदर जो तकलीफ पहुंची है वो मैं आपके सामने खुलकर नहीं बता सकती, जो उतनी तकलीफ मुझे 2012 से लेकर 2018 तक जो दिए और 2018 से 2021 तक जो तकलीफ को मैं फेस की हूँ वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। और आप समझ सकते हैं कि एक औरत पर इतना बड़ा प्रेशर होगा तो उसके लिए कैसी तकलीफ होगी। मुझे देखो उनके पीछे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे पीछे होंगे, मगर उनके लीगल FIR, उनका साइन, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके परफेक्ट चीजें देख कर के, जैसे FIR में कहते हैं इनको चेक करो, ये कंपनी ऐसी है, ये फ्रॉड है, फलाना है फलाना है। अब जहाँ FIR कराते हैं वो सारे एरियाज में उनके लोग होते हैं और वहां पर मुझे गलत बातें जो बैठ कर यूट्यूब पे बदनाम करते हैं वो लोग भी उनके लोग हैं। तो जब मैं फाइनल यही करूंगी, जो मेरे सामने नहीं है मैं उन पर किसी पर भी इल्जाम लगाना नहीं चाहती। कि मुझे कुछ भी मेरे से बातचीत नहीं हुई और कौन रिजाइन किए हैं, कौन विक्टिम एसोसिएशन, मुझे पता भी नहीं, क्योंकि विक्टिम एसोसिएशन रखने का परमिशन कौन सी एजेंसी से मिला है? जब एजेंसी लोगों को बुला रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोगों को बुला रहे हैं, तो विक्टिम एसोसिएशन आप किसी के भी नाम का लेकर लोगों को यूज करके खोले तो आज कोर्ट में फैसला होगा उस बात का, इंसाफ होगी कोर्ट में उस बात की कि गलत तरीके से जो लोग विक्टिम एसोसिएशन बनाकर लोगों को पैनिक क्रिएट करके लोगों को गलत मैसेज देके जो किए हैं वो सारा डेटा हमारे पास है, कोर्ट में क्लियर होगा ये मैटर। आपके लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मीडिया में फैला रहे थे जी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था जी, तो हमने कहा मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं समझती क्योंकि वो मीडिया की मर्जी होती है, जब चाहे जो चाहे वो छापे। और सुप्रीम कोर्ट का जब पॉजिटिव रिजल्ट आया, हाई कोर्ट का रिजल्ट भी आया, वो भी मैंने कहीं भी नहीं देखा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर ये सब अच्छे रिजल्ट हम देखेंगे। और दूसरी बात, जो गिन चुन कर जो 29 लोग थे जो FIR किए हुए थे टोटल कंट्री के अंदर और इल्जाम लगाया जा रहा था 1,72,000 इन्वेस्टर, 5,600 करोड़, ये कहाँ से फिगर लिया? मेरे इनकम टैक्स के IT रिटर्न फाइल से 2-3 ईयर्स का फिगर लेकर उन्होंने स्कैम बना दिया, जो इनकम टैक्स में लीगल सबमिट किया हुआ है मैंने टोटल चीजें, उसको फिगर को जो है स्कैम बताकर हर पेपर में मैं हर अखबार में ये बात देख रही थी। मैं चाहती हूँ कि फैक्ट को एक बार चेक करें, सच्चाई को एक बार चेक करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं था जो बता रहे थे और फैक्ट को हाइड करना चाहते थे, सच्चाई को छुपाना चाहते थे, मगर ऊपर वाले का एहसान हुआ कि मुझे वापस मौका दिया कि मैं सच्चाई को आपके सामने बयान करूं। काफी हमें ट्रेनिंग कार्स आए थे जी, मैं किसी का कॉल भी रिसीव नहीं किया मैंने किसी से जी, जो FIR कराए थे वही थे जो 2012 से मुझे सता रहे थे, उनकी ही इमेज थे और जो है जो भी ग्रुप था वो OIC साहब के तरफ से ही वो ग्रुप था जो मुझे सता रहा था और हमेशा ट्रेडिंग
काज करते थे, हमें बिजनेस करने नहीं देते थे, हमारे शोरूमों में जाने के वक्त में वहां पर कुछ इस तरीके के लोग आके खड़े हो जाते थे जो हमेशा परेशान करते थे हमारे लेडीज को, हमारे स्टाफ को। हमने कंप्लेंट भी किया बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में, हमने कंप्लेंट भी किया हिमायत नगर पुलिस स्टेशन में, हमने कंप्लेंट किया, मगर वो कंप्लेंट पे कोई भी असर नहीं होता। 10 डेज पे उनको क्लियर शीट मिल जाती है, ना इन्वेस्टिगेशन होता, ना उनको अरेस्ट किया जाता। तो फिर हमने छोड़ दिए और कोर्ट को जो है परफेक्टली कोर्ट में जो है वो चीज को ये करना शुरू किए, और जो जो हमें आए हैं वो ऑडियो के साथ और हम लोग प्रूफ के साथ कालिंग रिकॉर्डिंग के साथ हमने कोर्ट में सबमिट किया। कितने पैसे करके बोले नहीं, कभी 20 करोड़ डिमांड किए, कभी 50 करोड़ के डिमांड किए, कभी बोले ये लैंड हमारे को दे दो, और कभी बोले ये मीटिंग कर लो। बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने सबमिट किया है कोर्ट में।